देश में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केरल में 3 केसेस मिलने के बाद दिल्ली में पहले केस की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज राजधानी के लोकनायक अस्पताल में चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच मंकी पॉक्स का केस मिलना एक चिंता का विषय बन गया है। लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर तरह तरह के शंकाएं उठ रही हैं। इन्हीं शंकाओं को लेकर DTMT ने लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की और जानना चाहा कि इसके लक्षण, रोकथाम और इलाज क्या है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहले 100 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे कॉपीज 1 ईयर के लिए फ्री दी जाएंगी और अगले 500 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स कॉपी 1 साल के लिए फ्री दी जाएंगी। तो नीचे दिए गए बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी कॉपी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और मैसेज बॉक्स में अपने एड्रेस के साथ फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर लिखें। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को इस केस के बारे में विस्तार से बताएंगे? ये जो व्यक्ति है 3 दिन पहले हमारे यहाँ एडमिट हुआ था और भर्ती होने से पहले इसको बुखार था, फीवर था और स्किन में लीजन्स थे और इसको हमने आइसोलेट किया था। इसका सैंपल हमने भेजा था जो रेफरेंस लेबोरेटरी है, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी में। वहाँ से इसका जो PCR का रिपोर्ट आया कल, उसमें पता चला कि मंकी पॉक्स का वायरस इसमें पॉजिटिव पाया गया। तो इसका जो क्लिनिकल प्लस वायरोलॉजिकल टेस्ट मिला के ये एक कन्फर्म्ड केस रिपोर्ट हुआ है दिल्ली से। अभी तक पूरी कंट्री में 4 केस सामने आए हैं, 3 केस आए हैं, 3 केसेस फ्रॉम द केरला एंड दिस सिंगल केस फ्रॉम द लोकनायक हॉस्पिटल इन दिल्ली। इसको भर्ती होने से पहले बुखार था और बुखार के बाद इसके स्किन में इरेप्शंस आए, वेसिकुलो पस्टुलस लीजन्स थे, लोअर लिम में थे, पेट पे, थोरेक्स पे, अपर लिम में, और इसका जो लीजन्स थे वो क्लासिकल लीजन्स थे। इसमें अभी रिकवरी फेज में है, पेशेंट्स के वाइटल पैरामीटर्स ठीक हैं अभी और हम आशा करते हैं कि पेशेंट जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ है, DNA वायरस है, इसके जो सिम्टम्स हैं बाकी जो वायरल इलनेस है उससे भिन्न है, डिफरेंट है। कोरोना में जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा होते थे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती थी, वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें सबसे पहले बुखार आता है, बुखार के बाद छाले होते हैं और स्किन में लीजन्स होते हैं, जैसे कि चेचक में या चिकन पॉक्स के जो निशान होते हैं पूरे शरीर पर, डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ इरप्शंस होता है और टिपिकल वेसिकुलो पस्टुलर्स लीजन्स होते हैं, अम्प्लिकेटेड लीजन्स होते हैं, कई बार उसमें सेकेंड इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें सीरस डिस्चार्ज हो सकता है, पानी जैसा पदार्थ वहाँ से निकलता है। और ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके स्किन लीजन के साथ साथ इनको आँखों में जलन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं और बदन में दर्द और बॉडी एक और थकान, ये सब इसमें हो सकता है। ये बीमारी कितनी घातक है? फर्टिलिटी जो WHO के डेटा सामने आए हैं उसमें 1% से लेकर 3% तक केस फर्टिलिटी रेशियो है और अभी तक भारतवर्ष में एक भी डेथ नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल डेथ रिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री एंड वी हैव सीन ओनली 4 केसेस ऑफ दिस वायरस। दिस इज बाई एंड लार्ज सेल्फ लिमिटिंग इलनेस, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट रिकवर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, बुखार होता है तो पैरास्टामोल देते हैं, पानी की कमी होती है तो हम उसको रिहाइड्रेट करते हैं और स्किन में प्रॉब्लम होती है तो स्किन में हम लोशन लगाते हैं। ये बीमारी ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? 2 से 3 हफ्ते चलता है, 2 weeks to 3 weeks। आइसोलेशन इसका अलग रखना होता है और दूसरे लोग संक्रमित ना हो इसलिए इनको सेपरेशन में रखा जाता है। और यदि आप मास्क पहनते हैं, PPE किट पहनते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हम रिकमेंड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर के लिए कि वो PPE किट पहने, N95 मास्क पहने और पूरा गॉगल्स और पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन के ही पेशेंट को हैंडल करते हैं। मंकी पॉक्स के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क लगाएं, सिंपल मास्क से आप बच सकते हैं क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और यदि किसी को स्किन में लीजन है तो उसके आपके जो वस्त्र हैं, जो क्लॉथ्स हैं वो शेयर मत कीजिए, सेम बेडरूम में आप नहीं रह सकते, आपको उसके टॉयलेट्स के जो सामान है उससे आपको दूर रहना है।
और सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क लगा के रखना है। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? इसका जो फैलने का कई तरीके हैं, जैसे पहले बताया कि जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से आदमी में आया अफ्रीका में, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत कॉमन है, और अभी जो किसी जा रहे हैं ज़्यादातर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के ही आ रहे हैं, और जो भी बॉडी फ्लूड से उससे फैलता है, चाहे वो ब्लड हो, ब्लड प्रोडक्ट्स हो, सीरस डिस्चार्ज हो स्किन से, या सलाइवा हो, इससे ये फैलता है। सो जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उससे भी ये फैलता है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, FDA ने कुछ अप्रूव किए हैं, और जो वैक्सीन है, जो चेचक का टीका है, स्मॉल पॉक्स का टीका है, सन 1980 से पहले भारतवर्ष में लगता था, 1980 के बाद तो ये भारतवर्ष में इरेडिकेट हो गया। तो जो लोग स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेटेड हैं उनमें ये नेचुरली ही क्रॉस इम्यूनिटी होती है, तो उस ये 85% तक रिडक्शन करता है उन व्यक्तियों में जिन्हों को ये टीका लगा हुआ है स्मॉल पॉक्स का। डरने का आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना है, ज़्यादा सतर्क रहना है और मास्क लगाना है।